नमस्कार स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो मैं लेकर के आया हूँ वो सॉफ्टवेयर क्लास का वीडियो है। सॉफ्टवेयर क्लास 11। इस क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं फ्लैश टूल के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन में फ्लैश टूल के माध्यम से हम लोग मोबाइल फ़ोन कैसे ठीक करते हैं, मोबाइल फ़ोन को कैसे रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ई टेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, LED स्मार्ट TV है, इस तरीके से टेक्निकली कोर्स सिखाए जाते हैं। यहाँ पर जो कोर्स रहता है मात्र 45 दिन का कोर्स है। 45 दिन के अंदर सारे मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का तरीका आपको सिखाया जाता है, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की जितनी भी सारी कंप्लीट नॉलेज है वो आपको दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं वीडियो के बारे में बात करता हूँ कि वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो वीडियो में हम लोग फ्लैश टूल के बारे में सीखने वाले हैं। पहले फ्लैश टूल के बारे में वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हमारे मोबाइल फ़ोन में जो फ्लैश टूल होता है वो कितने तरीके का फ्लैश टूल होता है, उनको कैसे यूज करते हैं। उसमें से मैंने ओडिन है, MI फ्लैश टूल है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको जो फ्लैश टूल के बारे में बताने वाला हूँ वो SP फ्लैश टूल और SPD अपग्रेडर। SP फ्लैश टूल जो स्मार्टफोन फ्लैश टूल नाम से जाना जाता है और ये MediaTek CPU को रिपेयर करता है। इसको रिपेयर करता है दोस्तों MediaTek। MediaTek का मतलब होता है जैसे तुम्हारे पास कोई मोबाइल फ़ोन आया जैसे MI6 Vivo Y12, तो इस तरीके से जिसके अंदर MediaTek का CPU लगा होता है, तो उस MediaTek को CPU को रिपेयर करने के लिए हम लोग SP फ्लैश टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला फ्लैश टूल आता है जिसका नाम होता है SPD अपग्रेडर। SPD अपग्रेडर जो रहता है, जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं जिसमें SPD यानी स्पेक्ट्रम कंपनी का CPU लगा होता है, उसको रिपेयर करने के लिए हम लोग इस फ्लैश टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे SP फ्लैश टूल को हम लोग डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद किस तरीके से उसको यूज किया जाएगा, ये मैं आपको बताऊँगा। और SPD अपग्रेडर जो फ्लैश टूल होता है जिसके माध्यम से हम जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन की हम लोग फ्लैशिंग करते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं SP फ्लैश टूल को हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे। इसे डाउनलोड करने के लिए हम चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमने अपना गूगल खोला। गूगल खोलने के बाद सबसे पहला काम करना है हमको कि हमको यहाँ पर मोबाइल गुरु की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं या डायरेक्ट सीधे गूगल पे ही डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए हम लोग मोबाइल गुरु की वेबसाइट में चलते हैं। ये मोबाइल गुरु की वेबसाइट हमारी ओपन हो गई, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पर जाएंगे, फ्लैश टूल में जाएंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जो ऑप्शन ओपन करेंगे, ये किसका ऑप्शन ओपन करेंगे, फ्लैश टूल का ऑप्शन ओपन करेंगे। फ्लैश टूल ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, चलिए ओपन करते हैं। ये फ्लैश टूल का ऑप्शन ओपन किया, ये देखिए ये हमारा स्क्रीन पर फ्लैश टूल ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जितने भी सारे फ्लैश टूल ओपन हो गए। हम लोग कौन सा आज हम लोग SP फ्लैश टूल के बारे में सीखने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, SP फ्लैश टूल पे डाउनलोड पर लिंक पर क्लिक करेंगे। देखिए ऐसे गए, हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कि आप इसकी फ्लैश टूल में जो भी लेटेस्ट फ्लैश टूल होगा उसको आप क्या करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो फ्लैश टूल यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लैश टूल में जाएंगे और फ्लैश टूल को क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये हमारा ऐड खुल जाता है, इसको हम लोग बंद कर देंगे। ये हमारा डाउनलोडिंग चालू हो गया है। तो ये हमारा SP फ्लैश टूल जो है ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। तो इसको फ्लैश टूल को डाउनलोड होने में समय लगता है, डिपेंड करता है नेट के स्पीड के ऊपर। और ये SP फ्लैश टूल इसे हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हमारे स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। स्क्रीन पे ओपन होने के बाद फिर हम लोग इसमें फाइल लोड करेंगे, मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, फ़ोन में फ्लैशिंग करेंगे, हमारे फ़ोन में सॉफ्टवेयर चढ़ जाएगा, हमारे फ़ोन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ये दोस्तों मैंने SP फ्लैश टूल के बारे में बताया हुआ है।
अगर आप इसी तरीके से एस पी फ्लैश टूल के बाद हम लोग सीख लेते हैं एस पी डी फ्लैश टूल। ये देखिए लिखा ना एस पी डी फ्लैश टूल, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एस पी डी फ्लैश टूल यानी स्पेक्ट्रम फ्लैश टूल। इसको हम क्या करेंगे ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये फ्लैश टूल में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से कंपनी बताती है कि ऐसा कोई इंटरफेस खुल करके आएगा आपके स्क्रीन पर। इसने देखो दिखा भी दिया है। हम लोग क्या करेंगे एस पी डी फ्लैश टूल को हम लोग क्या करेंगे डाउनलोड कर लेंगे। ये हमने डाउनलोडिंग पे लगा दिया है। तो ये देखिए हमारे दोनों फ्लैश टूल इस समय डाउनलोड होने वाले हैं। हमारा सबसे पहले मीडियाटेक का ये डाउनलोड हो गया है एस पी फ्लैश टूल और एस पी डी फ्लैश टूल जो एस पी डी अपग्रेडर नाम से आता है इसको भी हमने डाउनलोड कर लिया है। दोनों टूल को खोलने के बाद हम किस तरीके से इसका यूज़ करने वाले हैं इसके बारे में मैं आपको टोटल आपको समझाने वाला हूँ। ये वीडियो मैं आपको टोटली प्रैक्टिकली दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर आप यूज़ करेंगे अगर उनको इस्तेमाल करेंगे तो इसके माध्यम से आप काफ़ी हद तक मोबाइल फ़ोन को ठीक कर पाएंगे और अच्छे से उनको समझ पाएंगे सीख पाएंगे। तो हम लोगों ने फ्लैश टूल को ओपन किया है। फ्लैश टूल ओपन होने के बाद ये फ्लैश टूल हमारे स्क्रीन पर आ गया है। उसके बाद अगला जो फ्लैश टूल है वो हमारा एस पी डी अपग्रेडर है ये वाला है। दोनों टूलों को हमने क्या किया यहाँ से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद इसको हमने मिनिमाइज़ किया। मिनिमाइज़ करने के बाद हमने यहाँ पर स्क्रीन पे हमने फ़ोल्डर बना लिया। इस फोल्डर का हमको नाम देना है तो फोल्डर का हम नाम दे सकते हैं जैसे फ्लैश टूल्स। हमने क्या किया इस पर पेस्ट किया ये हमारे फ्लैश टूल आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले एस पी फ्लैश टूल को सीखने वाले हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे। क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे। जैसे एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो हमारा टूल खुल के आ जाएगा। टूल को आप लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन लिख करके आ रहा है यहाँ पर और ये फ्लैश टूल लिख के आ रहा है। ये ग्रीन कलर का लोगो बन करके आता है तो ग्रीन कलर के लोगो को आप लोग क्या करेंगे ओपन करेंगे। ये देखिए हमारा जो इसका मीडियाटेक का जो फ्लैश टूल है ये हमारा स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। लेकिन डाउनलोड से क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोडिंग स्कैटर फाइल होती है इससे क्या करेंगे स्कैटर फाइल में क्लिक करेंगे। स्कैटर फाइल में क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि भाई हमारी फ्लैश फाइल कहाँ रखी हुई है। तो हम लोग फ्लैश फाइल के लिए डी में जा करके देखते हैं शायद हमारे पास अगर कोई फाइल पड़ी होती तो मैं आपको लोड करके दिखा भी देता हूँ। जैसे 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 वीवो का नहीं पड़ी है शाओमी रेडमी 7A 7A सैमसंग मेरे पास कोई फाइल नहीं पड़ी है जिसके अंदर मीडियाटेक सीपीयू लगा हो। और मीडियाटेक सीपीयू को मैं देख लेता हूँ 5A 5A ग्लोबल नोट 4 ओप्पो CPS। तो मेरे पास अभी मीडियाटेक की फ़ाइल नहीं है। अगर मीडियाटेक की फ़ाइल होती तो हम यहाँ पर उसको आसानी से फाइल को लोड कर पाते। तो आप दोस्तों जैसे मीडियाटेक की फ़ाइल को ओपन करेंगे तो उस फाइल के अंदर एक्सटेंशन होता है MT.scatter वो फाइल पूरे यहाँ पर स्क्रीन पे लोड हो जाएगी। डाउनलोड पे क्या करेंगे आप क्लिक कर देंगे और प्लस माइनस बटन दबा करके फ़ोन को कनेक्ट करा देंगे मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिख करके आता है कि यहाँ पर लिख के आता है कि फॉर्मेट ऑल डाउनलोड फर्मवेयर अपग्रेड डाउनलोड ओनली। तो आपको क्या करना है डाउनलोड ओनली पे क्लिक करना है फॉर्मेट ऑल पे क्लिक नहीं करना। अगर फॉर्मेट ऑल पे क्लिक कर देंगे तो मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग हो जाती है फॉर्मेट भी हो जाता है लेकिन IMEI नंबर चला जाता है। कई बार ऐसा मीडियाटेक के CPU में हुआ है यह होता है। तो आप लोग उसको डाउनलोड ओनली पे क्लिक करेंगे। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि मीडियाटेक CPU को किस तरीके से ओपन करेंगे कैसे यूज करेंगे। अब दोस्तों हम लोग सीखते हैं SPD अपग्रेडर के बारे में। SPD अपग्रेडर का जो फ्लैश टूल होता है इसको हम लोग क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे। जैसे आप एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो ऐसा एक फ़ोल्डर खुल के आ जाएगा। फोल्डर को ओपन करेंगे। फोल्डर ओपन करने के बाद आप जब सबसे नीचे स्क्रीन पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए SPD अपग्रेडर डाउनलोड जैसा ऐसा लोगो बन के आ जाएगा और यहाँ पर एप्लीकेशन भी लिखा होगा। यहाँ पर ऐसा लोगो बन जाएगा IC जैसा निशान बन जाएगा।
आईसी जैसा निशान बन जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो आईसी जैसा निशान, इसे आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करते ही ये देखिए हमारा इंटरफेस खुल गया है। ये हमारा इस तरीके से ये हमारा सॉफ्टवेयर बॉक्स खुल गया है। सॉफ्टवेयर बॉक्स में सबसे पहले फाइल को लोड करने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग जैसा ऑप्शन आता है, इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही खुल जाएगा। वो पूछेगा फाइल कहाँ रखी है, तो आपको बताना है कि फ़ाइल भाई कहाँ है हमारी। तो जैसे मैं डी में जाता हूँ, डी के अंदर देखता हूँ, शायद मेरे पास कोई एसपीडी सीपीयू को फाइल रखी है, तो इस फाइल को मैं लोड करके आपको दिखाता हूँ। फ्लैश फाइल में गए, जैसे मान लो सैमसंग B110, इसके अंदर एसपीडी सीपीयू लगा होता है, ये फाइल है इसकी। फाइल को लोड किया, ये देखिए फाइल यहाँ पर स्क्रीन पर लोड हो गई है। लोड होने के बाद फिर आप क्या करेंगे, प्ले वाली बटन को दबा देंगे। जैसे प्ले वाली बटन को दबा देंगे तो यहाँ पर रेडी का ऑप्शन आ जाएगा। प्ले वाली बटन दबा दिया, यहाँ पर रेडी लिख गया। जैसे रेडी लिख गया, वो फ़ोन को प्लस माइनस बटन दबा के फ़ोन को कनेक्ट करा दीजिए, या सैमसंग का कीपैड फ़ोन होता है तो ओके वाली बटन को, बीच वाली जो बटन होती है उसको कनेक्ट करा दीजिए, या आइटेल लावा का फ़ोन होता है तो उसमें भी ओके वाली बटन जो साइड में होती है उसको भी क्लिक करके आप, या बूट की कोई भी बटन को दबा करके बूटिंग मोड में जहाँ से फ़ोन कनेक्ट हो रहा हो, पोर्ट बना रहा हो, कनेक्ट करा दीजिए और फ़ोन में फ्लैशिंग हमारी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया एसपीडी के बारे में, मैंने आपको बताया और मीडियाटेक के बारे में बताया कि किस तरीके से हमारे जो एसपीडी और मीडियाटेक के जो फ्लैश टूल आते हैं, इन फ्लैश टूलों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इनके माध्यम से मोबाइल फ़ोन की फ्लैशिंग करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने एसपी फ्लैश टूल के बारे में सीखा हुआ है, उसको डाउनलोड करने का तरीका, इंस्टॉल करने का तरीका और यूज करने का तरीका। एसपीडी अपग्रेडर के बारे में सीखा है कि एसपीडी अपग्रेडर फ्लैश टूल जो होता है किस तरीके से काम करता है, उसको कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से काम करेंगे, तो हम लोग एसपीडी अपग्रेडर फ्लैश टूल के बारे में सीखा हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको मोबाइल फ़ोन में बताया कि किस तरीके से एसपीडी फ्लैश टूल के माध्यम से हम मोबाइल फ़ोन में, हम लोग किसी भी मोबाइल फ़ोन को मीडियाटेक सीपीयू जो मोबाइल फ़ोन है या एसपीडी फ्लैश टूल है मोबाइल फ़ोन है उसको हम लोग फ्लैश कर सकते हैं। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, यदि हमारे पास कोई कीपैड मोबाइल फ़ोन आता है, जैसा सैमसंग गुरु मोबाइल फ़ोन आता है, B310 है, आईटेल के हैं, ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं, इन मोबाइल फ़ोन को मात्र फ्लैशिंग करने से ही मोबाइल फ़ोन में सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। पासवर्ड वासवर्ड लगा होगा तो टूट भी जाएगा, और यदि लोगों पे होगा तो भी ठीक हो जाएगा, हैंग हो रहा है तब भी ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम सिचुएशन आएंगी तो सारी प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाएंगी, हल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। कौन से फ्लैश टूल से, एसपीडी अपग्रेड है जो कीपैड मोबाइल फ़ोन में लगा होता है, फ्लैश करने से ही हमारा मोबाइल फ़ोन ठीक हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको दो फ्लैश टूल के बारे में प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया हुआ है। वीडियो में आपको कैसा लगा, क्या सारी चीज़ें समझ में आई, और सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बहुत सारा सीरीज का मैंने वीडियो निकाला हुआ है, ताकि एक एक करके सारी चीज़ों को देखें, सारी चीज़ों को समझें, और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लेने होने के बाद आप अच्छे तरीके से काम करें। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना कोई एक विजन लेकर चलना चाहते हैं कि नहीं भाई हमको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीखना है, या इन सब चीज़ों के बारे में हमको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर अच्छी तरीके से काम करना है, या अच्छे वे में काम करके अपने आप को आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारे पास मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम मात्र 45 दिन का कोर्स कराते हैं। 45 दिन के अंदर जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों माध्यम से हम मोबाइल फ़ोन को रिपेयरिंग करना सिखाते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की सारी ट्रेनिंग दी जाती है। कोर्स के अलग अलग मॉड्यूल बने हैं, अलग अलग सिस्टम बने हैं, फुल डे ट्रेनिंग के प्रोग्राम होता है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लासेस चलती हैं। बच्चे 4 घंटे का स्लॉट पहले पूरा करते हैं, फिर बीच में 1-2 घंटे का लंच करते हैं, फिर अपना 4 घंटे का स्लॉट पूरा करते हैं, और ए से लेकर जेड तक सारे फ़ोनों को बनाने का तरीका सीखते हैं। सीखने के दौरान जो भी सारा टूल्स है, जो भी सारा सामान है, जो सारा स्टडी मटेरियल है, वो सारा सबको ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से ही प्रोवाइड होता है, और आप अच्छे से सीख करके अपने एक सफल बिजनेसमैन की तरह अपना काम करते हैं। जो लोग ऐसे हैं जो अपना मोबाइल फ़ोन की दुकान चला रहे हैं, उनको रिपेयरिंग करने में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी चीज़ से कोई समस्या आती है, तो भी वो लोग ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे तरीके से सीखने के बाद अपना एक अच्छे विजन में काम कर सकते हैं। और इस लाइन में देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग बहुत इफेक्टिव फील्ड है। जो बंदे को मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा काम आता है वो अच्छी तरीके से काम कर सकता है, उसको रिपेयरिंग या कोई भी काम करने में कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आती है। बाकी सेल परचेज़ करना हो तो एक नॉर्मल सी बात है कि किसी आदमी को कुछ आता हो चाहे ना आता हो, लाला बनिया बनकर कुछ भी बैठ जाओ, मोबाइल फ़ोन सामान धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दे, बिकना शुरू हो जाएगा, अपना 10% 30% कमीशन पे काम करेगा कि भाई 30 रुपये का हैंड फ्री लाया उसको 50 रुपये का बेच दिया, 50 रुपये का लाया तो 80 रुपये का बेच दिया, लेकिन 5 रुपये लगा करके अगर कोई अगर 150 रुपये कमा पाता है तो रिपेयरिंग करने वाला ही कमा पाता है। कि मैं आपको बताऊँ, एक चार्जिंग पिन डालने का 5 रुपये डालने का भी 150-200 रुपये सर्विस चार्ज लिया जाता है। एक मोबाइल फ़ोन में अगर टच ग्लास फूट जाता है तो मात्र 40-60 रुपये का ग्लास आता है, लेकिन उस ग्लास को रिपेयर करके चेंज करके कम से कम 500-600 रुपये या इससे भी कई गुना ज़्यादा अधिक पैसा
लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये सर्विस चार्ज का पैसा है। किस चीज़ का पैसा है? सर्विस का पैसा है। जो आदमी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कंप्लीट काम करता है, अच्छी तरीके से काम करता है, तो उसकी शॉप भी अच्छे से चलती है, उसकी ग्रोथ भी होती है, उसकी वर्किंग भी अच्छी रहती है और उसके अंदर स्ट्रांगनेस भी रहती है और एक सफल बिजनेसमैन के तौर के तरीके से काम कर सकता है। क्योंकि जिसका अगर रिपेयरिंग स्ट्रांग होता है ना, तो उसका सेल पर्सन तो नॉर्मल सी बात है। लोग आदमी उसी आदमी से मोबाइल फ़ोन लेने की सलाह लेते हैं जिस आदमी को रिपेयरिंग बहुत अच्छी आती है। कहते भाई कौन सा मोबाइल फ़ोन ले लूँ, क्योंकि उसको पता है ना कि दो चार आईसियाँ उखाड़ रहा है, लगा रहा है, फ़ोनों को ठीक कर रहा है, उसको पता है कौन सा मोबाइल फ़ोन में क्या प्रोडक्ट अच्छा है, क्या बेकार है, क्या सारी चीज़ें हैं, तो उसको जानकारी अच्छी से होती है टेक्निकली बंदे को, तो उससे ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। क्योंकि जिस फील्ड का आदमी जो अपना अच्छे तरीके से काम करता है तो लोग उससे जुड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल सी बात आती है कि कोई ऐसे डॉक्टर साहब है जो पेट के अंदर पथरी है, उसका ऑपरेशन भी कर देते हैं, सारा काम कर देते हैं, तो वो अपने लाइन के सबसे बड़े सीनियर डॉक्टर हैं। ऐसा नहीं कि कंपाउंडर है, जाँच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब चीज़ें छोटी बात है, तो वो अपने लाइन के बड़ा सीनियर डॉक्टर हैं। तो जो इस लाइन में जो रिपेयरिंग करने वाला आदमी होता है वो अपने लाइन का बड़ा सीनियर होता है और अच्छी तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको क्या सारी चीज़ें समझ में आई और वीडियो कैसा लगा, और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है तो आप नीचे स्क्रीन पर नंबर पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, और अगर आप ट्रेनिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो भी संपर्क करें। अगर कैरियर से संबंधित समझना चाहते हैं कि हमको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, किस तरीके से सर आप सिखाएंगे, सीखने के बाद हम अपना बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अपना काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस काम को करने में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या क्या दिक्कत आती हैं और करने में क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट तो सारे लोग जानते हैं लेकिन कमी क्या आती है, दिक्कतें क्या आती हैं, परेशानी क्या आती है, तो उन सब चीज़ों के बारे में जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं तो एक अच्छे विजन के रूप में काम नहीं कर सकते। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।